गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेक्चर 3 कर रहे हैं स्टार्ट। तो आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम पिन डायग्राम भी कहते हैं। तो इस आर्टिकल को क्या कह सकते हैं, पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी ये जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये कितने पिन का है, 40 पिन ड्यूल इन लाइन पैकेज। तो इसके पास 40 पिन होती हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी 40 पिन्स के बारे में, कि इनमें से कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी आउटपुट है और उनके क्या काम हैं, वो सारे हम इनके ऑपरेशंस, इनके फंक्शंस, वो हम वन बाय वन इसकी 40 पिनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिन नंबर 1 और 2। पिन नंबर 1 और 2 को हम X1 और X2 से हम डिनोट की करते हैं। ये दो पिन हमारी इनपुट पिन्स होती हैं। इसके ऊपर हम क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हमारे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस होते हैं और ये क्लॉक ड्राइवन आईसी होती हैं। तो इनको हमें क्या है, क्लॉक इनपुट देने के लिए, हमें इनको क्लॉक देने के लिए हमें एक ऑसिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर हो उतना ही अच्छा होता है, बेस्ट होता है। अगर जो इसकी सुटेबल रेंज होती है, अगर उससे कम भी अगर हम लें ऑसिलेटर, तब भी ये प्रोसेसर चल जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड पर फ़र्क पड़ जाएगा। ऑपरेशंस की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर क्रिस्टल ऑसिलेटर हम 6.28 मेगाहर्ट्ज़ का हम यूज़ करते हैं। पिन नंबर 1 और 2 पे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो पिन नंबर 1 और 2 पे जब हम 6.28 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है माइक्रो प्रोसेसर की, वो 3.12 मेगाहर्ट्ज़ हमें मिलती है, क्योंकि इन दो पिनों पर इंटरनली डिवाइडर सर्किट यहाँ पे होती है, जो कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 3.14 मींस हाफ फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3.14 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जबकि एक्सटर्नली हम 6.28 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं पिन नंबर 3 पर। पिन नंबर 3 हमारी क्या होती है, रीसेट आउट। इट इज़ ए आउटपुट पिन। ये पिन हमारे जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उन सभी पिनों, सभी पेरिफेरल डिवाइसेस से ये पिन, पिन नंबर 3 कनेक्ट होती है। ये पिन क्या करती है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इस पिन के थ्रू सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे रीसेट हो जाते हैं, जो भी इस पिन से कनेक्ट होते हैं। जैसे कोई इनपुट डिवाइस है, कोई आउटपुट डिवाइस है, लाइक कोई प्रिंटर है, कीबोर्ड है, इस तरह के कोई भी डिवाइसेस जो हैं, जो हमारे पिन नंबर 3 से कनेक्टेड हैं, वो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे बाय यूजिंग द दिस पिन। नेक्स्ट पिन है हमारी 4 और 5। फोर्थ पिन इज सोड, SOD सोड। फिफ्थ पिन इज SID सिड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में। SOD मतलब सीरियल डाटा आउटपुट, सिड मतलब सीरियल डाटा इनपुट। तो एक इनपुट के लिए है और एक आउटपुट के लिए है। बेसिकली ये दोनों पिन हमारी सीरियल डाटा ट्रांसफ़र करने के यूज़ में आती हैं। सोड जो है आउटपुट डाटा, अगर हम चाहते हैं सीरियली डाटा आउटपुट हो, उसके लिए हमारी सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, और सिड के लिए हमारी रिम इंस्ट्रक्शन यूज होती है। सिम स्टैंड्स फॉर सेट इंटरप्ट मास्क एंड सिड स्टैंड्स फॉर रीड इंटरप्ट मास्क। इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन डेप्थ में। नेक्स्ट पिन्स हमारी आती हैं 6, 7, 8, 9, 10।
ये हमारी पिंस होती हैं, जो ये हमारी इंटरप्ट पिंस होती हैं। तो पिन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये हमारी इंटरप्ट पिन होती हैं। इंटरप्ट पिंस मतलब ये इनपुट पिंस हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंटरप्ट होता क्या है। बेसिकली इंटरप्ट मतलब रुकावट। अब जो हमारा मेन प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूट होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा किसी समय पे मेन प्रोग्राम से हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्विच कर जाए, जंप कर जाए किसी सब प्रोग्राम पर या सब रूटीन पर, तो उसके लिए हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं। एक जंप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, कॉल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या थर्ड वन इज इंटरप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरप्ट का आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए इंटरप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंटरप्ट क्या है? बेसिकली स्विचिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू इट्स सब प्रोग्राम व्हेन सम इंटरप्ट सिग्नल कम्स थ्रू एनी एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइन। तो हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 5 तरह के इंटरप्ट होते हैं, जैसे ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। ट्रैप को हम 4.5 भी कहते हैं। ये जितने भी इंटरप्ट हैं ये सारे एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं। जब भी इसी किसी इंटरप्ट लाइन पर कोई एक हाई सिग्नल आएगा तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्विच कर जाएगा मेन प्रोग्राम से रिस्पेक्टिव सब रूटीन पर। किसकी सब रूटीन पर? जो भी इंटरप्ट आएगा उसकी एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है, उस मेमोरी पे हमें वो सब रूटीन या सब प्रोग्राम हमें लिखना होता है। तो जब भी कोई इंटरप्ट आएगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा, तो हमारा प्रोग्राम स्विच कर जाएगा। अब बात आती है कि इनकी हमारी क्या क्या मेमोरी होती है। स्पेसिफिक मेमोरी भी हो सकती है और कोई डिफरेंट मेमोरी भी हो सकती है, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरप्ट हमारे 5 प्रकार के हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर प्रायोरिटी की, कि एक समय पे अगर एक से ज़्यादा इंटरप्ट भी आ जाए तो उस समय पे किस इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ट्रैप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है और उसके बाद प्रायोरिटी धीरे 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 कम होती है। मीन्स ट्रैप की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर 7.5 की, फिर RST 6.5 की, उसके बाद RST 5.5 की, और INTR की है सबसे लोअर प्रायोरिटी। तो अगर हमारे सुपोज करते हैं कि दो इंटरप्ट आ जाते हैं, एक ट्रैप आ जाता है, RST 5.5 दोनों पर एक हमें हाई सिग्नल मिलता है या रिस्पेक्टिव सिग्नल होता है जो इंटरप्ट का वो हमें मिलता है, तो सबसे पहले हमारा ट्रैप को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके कम्प्लीशन के बाद सेकेंड इंटरप्ट को कम्प्लीट किया जाएगा और उसके बाद वापस प्रोसेसर हमारा मेन प्रोग्राम पर रिटर्न कर जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रायोरिटी वाइज इंटरप्ट को माइक्रो प्रोसेसर डील करेगा। उसके बाद एक कैटेगरी आती है हमारी मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मीन्स हमारे जो मास्केबल का मतलब है डिसेबल करना, मास्केबल मीन्स डिसेबल करना। तो इनमें जो ट्रैप है हमारा इंटरप्ट, उसको हम मास्क नहीं कर सकते, उसको हम डिसेबल नहीं कर सकते। तो ट्रैप हमारा क्या है? इट्स ओनली वन इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल, अदर 4 आर मास्केबल इंटरप्ट। उसके बाद एक कैटेगरी आती है जिसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं इंटरप्ट को, वेक्टर ओब्लिक नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर्ड इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पहले से फिक्स कर दी गई है कि इनकी ये मेमोरी रहेगी। उस मेमोरी पर हम सब रूटीन या सब प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर छोटा कोई प्रोग्राम है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर जंप स्टेटमेंट यूज़ करके या कॉल स्टेटमेंट यूज़ करके हम किसी फर्दर बड़े ही सब रूटीन पर भी मूव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली हमारे जो 4 इंटरप्ट हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, इनकी अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होती है
जो हमने यहाँ पे टेबल में शो की है, ये सारी हेक्साडेसिमल में हमने रिप्रेजेंट की है। यहाँ पर जैसे ट्रैप की है 0024H, सिमिलरली RST 5.5 की 002CH। तो ये हमारी चारों क्या है, मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पर हम जहाँ पर हमें सब रूटीन को लिखना होगा अगर हम चाहते हैं कि इनमें से कोई इंटरप्ट लाइन पर जब कोई सिग्नल आता है तो अगर हम चाहते हैं कि वो उस समय पर ये ट्रैप एग्जीक्यूट हो तो हमें इन पर्टिकुलर मेमोरी पर हमें सब रूटीन लिखनी होगी, तब भी वो सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। जब हमारी जो भी सब रूटीन होती है उसके लास्ट में हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है ताकि जब कंप्लीट हो जाए हमारा इंटरप्शन का सब रूटीन प्रोग्राम तो वापस वहाँ से जा सके मेन प्रोग्राम पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जितने भी इंटरप्ट हैं, ऑल द इंटरप्ट, सभी इंटरप्ट के अंदर हमें लास्ट में एक लाइन इंस्ट्रक्शन हमें याद रखनी है, RET इंस्ट्रक्शन, 1 byte की इंस्ट्रक्शन होती है, वो हमें लास्ट में प्रोग्राम के सब रूटीन के लास्ट में हमें वो लिखनी होती है जो हमें मेन प्रोग्राम पर स्विच कराने के काम आती है। उसके बाद हम बात करें INTR की, ये हमारा नॉन वेक्टर्ड है, इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक मेमोरी पहले से फिक्स नहीं है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम इसकी बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है कि ये नॉन वेक्टर्ड है, इसका मतलब इसकी अंदर प्रोसेसर के अंदर पहले से मेमोरी, स्पेसिफिक मेमोरी फिक्स नहीं है। तो हमें क्या है अब कौन कौन सी मेमोरी यूज की जाएगी INTR के अंदर। तो यहाँ पे हमने टेबल शो की हुई है जिसमें हमने 3 columns लिए हैं। पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है RST कोड्स को, जिसमें RST 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 RST कोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी ऑपरेशन कोड्स जिनके हेक्साडेसिमल में है, यहाँ पर C7, CF एंड सो ऑन, लास्ट में हमारा जैसे FF है। तो ये ऑपरेशन कोड्स हमारे को सेंड करने पड़ते हैं कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस। तो INTR इंटरप्ट के अंदर हमारे पास 8 डिफरेंट मेमोरी रोम की हम यूज कर सकते हैं, जो मेमोरी लोकेशंस हमारी इन ऑपरेशन कोड के रिस्पेक्टिव मेमोरीज हैं। जैसे C7 के रिस्पेक्ट में है 0000H, लास्ट में हमारी है 0038H। तो ये हमारी 8 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं जिनको हम INTR इंटरप्ट में माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस करता है एज ए सब रूटीन प्रोग्राम। तो हमारा INTR के केस में सब रूटीन प्रोग्राम हमारा कहाँ पर होना चाहिए, इन में अवेलेबल होना चाहिए। तो जो भी सब रूटीन प्रोग्राम जिस भी मेमोरी पर हमने लिखा है उसके कोरोस्पोंडिंग ऑपरेशन कोड एक एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से हमें प्रोसेसर को सेंड करना है। तो प्रोसेसर कैसे सेंड करेगा, थ्रू डाटा बस सेंड करेगा, और एज इट इज़ ए ऑपरेशन कोड, क्योंकि ऑपरेशन कोड है ये, तो ऑपरेशन कोड कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल डिवाइस से ये ऑपरेशन कोड जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जहाँ पे ये डिकोड होगा, और डिकोड होने के बाद रिस्पेक्टिव मेमोरी लोकेशन पर माइक्रो प्रोसेसर को स्विच करेगा थ्रू प्रोग्राम काउंटर। तो जैसे ही INTR इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आएगी तो करंट जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके लास्ट में हमारा प्रोग्राम काउंटर का डाटा अपडेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ हमारा क्या होगा, INTA एक्नोलिजमेंट, इंटरप्ट एक्नोलिजमेंट सिग्नल हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और ये इंटरप्ट सिग्नल हमारा INTA बार होता है, तो इसका मतलब ये लो सिग्नल एक्टिव है। तो जैसे ये सिग्नल जनरेट होगा 0, ये हमारा सेंड हो जाएगा एक्सटर्नल डिवाइस के पास, और जैसे ही एक्सटर्नल डिवाइस इस सिग्नल को रिसीव करता है तो वो डिफरेंट ऑपरेशन कोड्स में से कोई एक ऑपरेशन कोड उस
मेमोरी का जहाँ पे हमने सब रूटीन यूज़ करनी है या जहाँ पे लिखी हमने राइट की है, वो रिस्पेक्टिव ऑपरेशन कोड हमारा एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करेगा और उसके रिस्पेक्टिव मेमोरी हम जो है यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे एक इंटरप्शन जब आती है तो कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने दो तरह के प्रोग्राम लिए हैं, ये मेन प्रोग्राम है एंड दिस इज़ ए सब प्रोग्राम। यहाँ पे हमने ट्रैप इंटरप्ट का केस लिया है, दिस इज़ ए ट्रैप सिग्नल। तो ट्रैप सिग्नल मानते हैं कि हम सपोज करते हैं कि ट्रैप सिग्नल पर या ट्रैप पिन के ऊपर जो कि इनपुट पिन है वहाँ पर एक हाई सिग्नल हमें मिल रहा है। तो जैसे ही किसी डिवाइस से ट्रैप सिग्नल पर हम हाई सिग्नल देंगे, उस समय जो प्रोग्राम हमारा सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रहा था, लेट अस सपोज कि 3001 पर इंटरप्ट आ जाता है, तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है इस समय पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तुरंत। लेकिन जैसे ही इसके लास्ट साइकिल आएगी, उस समय पर प्रोग्राम काउंटर का डाटा अपडेट होना चाहिए था जो कि 3002 हमारा होना चाहिए। लेकिन ये 3002 जैसे ही इंटरप्ट आता है ट्रैप सिग्नल लाइन के थ्रू, जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल आता है तो ये प्रोग्राम काउंटर का डाटा, सॉरी प्रोग्राम काउंटर में जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है, ये एड्रेस ये क्या है, सोर्स मेमोरी या फिर प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस है, ये एड्रेस हमारा पुश हो जाएगा यानी कि स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, स्टैक मेमोरी में। दिस इज़ ए स्टैक मेमोरी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। रैम मेमोरी का कुछ हिस्सा जो है हम स्टैक मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। इस मेमोरी का हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि कहाँ किस एड्रेस से हमारी स्टैक मेमोरी हम यूज़ करेंगे। अभी प्रेजेंट केस में स्टैक पॉइंटर के अंदर 5006H अवेलेबल है, इसका मतलब इसके बाद वाले ऑनवर्ड्स जो एड्रेस होंगे स्टैक मेमोरी के, उन पर हमारा ये जो प्रोग्राम काउंटर का के अंदर मेमोरी एड्रेस अवेलेबल है ये हमारा स्टोर हो जाएगा। पहले हायर बाइट स्टोर हो जाएगा, फिर आपका लोअर बाइट स्टोर हो जाएगा। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन और ये प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करता है। जैसे ही ये हो जाएगा आपका सेव हो जाएगा, ये सेव होने के बाद आपका ट्रैप सिग्नल जो है ट्रैप इंटरप्ट के कोरस्पोंडिंग जो हमारी मेमोरी होती है स्पेसिफिक मेमोरी, जैसे कि हमारी ट्रैप सिग्नल के लिए ट्रैप इंटरप्ट के लिए 0024H पहले से स्पेसिफिक होती है, ये मेमोरी एड्रेस हमारा प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में ये स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द ट्रैप इंटरप्ट हमारा लोड होगा तो प्रोग्राम हमारा स्विच कर जाएगा 3001 से, सीधा हमारा प्रोग्राम स्विच कर जाएगा। यहाँ से प्रोग्राम यहाँ जाना चाहिए था लेकिन 2 के बाद 3 पे ना जाके प्रोग्राम हमारा इस मेमोरी पे चला जाएगा, यानी कि सब रूटीन प्रोग्राम को एक्सेस करने लगेगा माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट में वहाँ पर देखेगा कि RET इंस्ट्रक्शन है तो RET इंस्ट्रक्शन हमें क्या करेगी, रिटर्न ऑपरेशन कराएगी। ये हमें दोबारा से पॉप ऑपरेशन होगा यहाँ पर, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो ये एक तरह से हमारा कंप्यूटर पॉप ऑपरेशन करेगा। पॉप ऑपरेशन के अंदर हमारा जो ये एड्रेस था 30 और 02, अभी जब पहले ऑपरेशन हुआ था पुश ऑपरेशन हुआ था तो हमारा स्टैक पॉइंटर जिसके अंदर था 5006H,
ये 2 बाइट से डिक्रीमेंट हो गया था, सॉरी 2 एड्रेस से डिक्रीमेंट हो गया था, क्योंकि 2 बाइट्स का ऑपरेशन हुआ था। पहले 1 बाइट इसमें स्टोर हुआ, फिर 2nd बाइट स्टोर हुआ, तो 2 बाइट्स यहाँ पे डिक्रीज, 2 बाइट्स का एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर कराया। तो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन हमारा ये जो एड्रेस था स्टैक पॉइंटर का, वो 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ, मतलब 2 एड्रेस यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाते हैं स्टैक पॉइंटर में। तो अभी अवेलेबल जो हमारा स्टैक पॉइंटर के अंदर मेमोरी एड्रेस है, स्टैक मेमोरी एड्रेस है, वो 5004H है। जब पॉप ऑपरेशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 से, और इसमें दोबारा से 5006H हमें मिलेगा। और जैसे ही रिटर्न ऑपरेशन होगा तो ये वाला जो आपका स्टैक मेमोरी में जो एड्रेस स्टोर हुआ था, जब हमारा ट्रैप इंटरप्ट आया उस समय पे यहाँ पे सेव हो गया था एड्रेस, ये एड्रेस वापस पॉप हो जाएगा। पहले आपका लोअर बाइट आएगा, उसके बाद आपका अपर बाइट आएगा। लोअर बाइट क्यों आएगा? क्योंकि ये सबसे ऊपर है। स्टैक मेमोरी हमारा लीफो या फिलो प्रिंसिपल पे काम करती है। लीफो मतलब लास्ट इन, जो लास्ट में इन किया, 02 जो है लास्ट में डाला गया, उसकी पहले बारी आएगी। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, 02 लास्ट में डाला गया उसकी पहले बारी आएगी, या फिलो जो फर्स्ट, जो सबसे पहले डाला गया उसकी लास्ट में बारी आएगी, फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हमारा 02 पहले आ जाएगा, स्टोर होगा, उसके बाद 30 आ जाएगा। तो जैसे ही पॉप ऑपरेशन के अंदर, पॉप मतलब लीफो या फिलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हमारा प्रोग्राम काउंटर में ओरिजिनल एड्रेस जहाँ से जंप हुआ था वो एड्रेस वापस इसी में रिस्टोर हो जाएगा। और जैसे ही प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस रिस्टोर होगा तो हमारा प्रोसेसर वापस इसी पॉइंट पर जहाँ से उसने स्टॉप किया था उसी एड्रेस को फिर से वो कंटिन्यू करेगा, और हमारा प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम यही देखते हैं कि इंटरप्शन के वक्त जब भी कोई इंटरप्शन आती है तो हमारा प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस होता है वो पुश ऑपरेशन के थ्रू स्टैक मेमोरी में सेव हो जाता है, और जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है उसके थ्रू हमारा ये जो सेव्ड एड्रेस है ये वापस हमारा पॉप ऑपरेशन के थ्रू प्रोग्राम काउंटर में वापस रिस्टोर हो जाता है, और हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम पर वापस से रिटर्न हो जाता है, और वापस से हमारा मेन प्रोग्राम पर हम आ जाते हैं। तो इस प्रकार इंटरप्शन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे INTR और INTA बार एक्नॉलेजमेंट। दीज आर द पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 11। पिन नंबर 10 इज INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट, एंड पिन नंबर 11 इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इज ए एक्टिव लो सिग्नल। तो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है कि जब भी हमारा कोई इंटरप्ट डिवाइस जो कि INTR पिन पर एक हाई सिग्नल सेंड करेगा, तो लास्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शन चल रही है या करंट इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसको कंप्लीट करेगा प्रोसेसर, और उसकी लास्ट साइकिल में हमें INTA बार यहाँ पे सेंड करेगा। जैसे ही INTA बार हमारा यहाँ पे 0 हमें सेंड करेगा प्रोसेसर टू द एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे ही हमारा 0 रिसीव करेगा तो यहाँ से एक्सटर्नल डिवाइस से हमारा ऑपरेशन कोड, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि RST ऑपरेशन कोड्स होते हैं, ये हमारा डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा, और वहाँ पे ये डिकोड होगा, और डिकोड होने के बाद रिस्पेक्टिव जो मेमोरी है, रिस्पेक्टिव मेमोरी है जो ऑपरेशन कोड्स की, उसके पास उस मेमोरी की सब रूटीन को एक्सेस करेगा। यहाँ पे जो हमारे कोड्स हैं वो ये हैं, दीज आर द 8 कोड्स
इसका मतलब हमारे INTR इंटरप्ट के अंदर 8 मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिसको हम बाय यूज़ ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस हम एक्सेस कर सकते हैं उनकी सब रूटीन्स। तो इस तरह से हम INTR में, लास्ट स्लाइड में एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर दीज आर द 8 मेमोरी लोकेशंस जो इन रिस्पेक्टिव ऑपरेशन कोड से एसोसिएटेड है। तो जब भी ये ऑपरेशन कोड हमारा कोई एक्सटर्नल डिवाइस सेंड करेगा तो उसके कोरस्पोंडिंगली इनमें से कोई भी जो मेमोरी लोकेशन है बाय यूज़ ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी पिन नंबर 12 टू पिन नंबर 19। ये पिन है हमारी टाइम मल्टीप्लेक्स्ड बाई डायरेक्शनल पिन्स। दीज आर द AD0 to AD7 पिन्स। ये हमारी बाई डायरेक्शनल पिन्स है। इस पिनों के थ्रू हम एड्रेस भी भेज सकते हैं और डाटा भी भेज सकते हैं टू द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस समय पे हमारा एड्रेस जाएगा डाटा बस के थ्रू और किस समय पे हमारा डाटा जाएगा डाटा बस के थ्रू। तो जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। डी फ्लिप फ्लॉप एज ए लैच। लैच का मतलब है दिस डी फ्लिप फ्लॉप इज ए लेवल ट्रिगर्ड है और यहाँ पे हम इसको लैच की तरह यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक पिन है माइक्रो प्रोसेसर में ALE पिन, पिन नंबर 30। तो ये ALE पिन हमें डिस्टिंग्विश करती है कि किस समय पे AD बस के थ्रू हमारा एड्रेस जाएगा, लोअर एड्रेस जाएगा, और किस समय पे इस डाटा AD बस के थ्रू हमारा डाटा एक्सेस किया जाएगा। तो ALE पिन जब हमारी 1 होगी, जब हमारी ALE पिन 1 होगी तो इस लैच के अंदर हमारा A0 to A7 हमारा लोअर बाइट का एड्रेस आ जाएगा। यानी कि जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो चेंजेस हमें यहाँ पर इसकी आउटपुट पर हमें मिलेंगे। और जैसे ही ये पिन हमारी लो हो जाएगी उस समय पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लैच जो है प्रीवियस आउटपुट को ही हमें यहाँ पे अवेलेबल कराएगा। तो प्रीवियस आउटपुट इसकी क्या थी, जो एड्रेस था लोअर बाइट का। इसका मतलब जब ये डिसेबल हो जाएगा, जब ये लैच डिसेबल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर लोअर बाइट का एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल होगा, दैट इज A0 to A7। और उस समय पर यहाँ पर D0 to D7 इस समय पर जो भी डाटा होगा वो हमारा एज ए डाटा थ्रू डाटा बस अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब जब ALE पिन 1 होती है तो हमारा लोअर बाइट का एड्रेस स्टोर हो जाता है और जब ये 0 हो जाएगी तो ये AD बस के थ्रू हम डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा AD0 to AD7 कह सकते हैं AD बस एड्रेस ऑब्लिक डाटा बस हमारी टाइम मल्टीप्लेक्स मोड में यूज़ होती है। ये बाई डायरेक्शनल है क्योंकि डाटा हमारा इन भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। हमारा यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एड्रेस हमेशा आउटवर्ल्ड ही होता है। तो इस तरह से ALE पिन के थ्रू हम AD बस को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 20। दिस इज ए ग्राउंड पिन। आफ्टर दैट पिन नंबर 21 to 28। दीज आर द हाई ऑर्डर बाइट्स ऑफ द एड्रेस लाइन। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्रेस लाइन जो है 8085 प्रोसेसर में 16 लाइंस होती हैं, उसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, लोअर बाइट एंड हायर बाइट। तो हायर बाइट को हम डायरेक्टली थ्रू एड्रेस लाइंस जो कि हमारी A82
A15 हम मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइस के पास सीधे सीधे डायरेक्ट हम भेजते हैं। तो दीज आर द यूनिडायरेक्शनल लाइंस एंड दीज आर द आउटपुट लाइंस। तो प्रोसेसर हायर बाइट का जो एड्रेस है उसको डायरेक्टली हमारा पेरिफेरल डिवाइस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास डायरेक्ट भेजता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेमोरी एड्रेस जो होता है वो 16 बिट का होता है, वेयर एज एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस इज ऑफ 8 बिट। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस 16 बिट नहीं होता, इसका एड्रेस हमेशा 8 बिट का ही होता है। नेक्स्ट पिन्स आर द पिन नंबर 29 एंड पिन नंबर 33। यहाँ पे हम 30, 31, 32 को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पिन हमारी 29 के साथ हमें मिलके स्टेटस पिन्स का यहाँ पे हम वर्कआउट स्टडी करते हैं। तो पिन नंबर 29 जो है दैट इज कॉल्ड एस नॉट पिन, पिन नंबर 33 इज कॉल्ड एस वन पिन। दीज आर द आउटपुट पिन्स और कॉल्ड स्टेटस पिन्स। ये हमें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन के बारे में हमें यहाँ से इंडिकेशन मिलती है। तो एस नॉट और एस वन पिन जब हमारी 00 होती है उस समय पर ये ऑपरेशन क्या होता है, हमारा होल्ट होता है हमारा प्रोसेसर, यानी कि जिस समय पे हमारा प्रोसेसर होल्ट पोजीशन में है उस समय पर हम वहाँ पर इन पिनों पर अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 00 मिलेगा। बाय मल्टीमीटर अगर हम चेक करना चाहें तो वहाँ पे हमें ग्राउंडिंग मिल जाएगी। उसके बाद 01 अगर मिलता है एस नोट और एस वन पर 01 मिलता है तो वो राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है, और 10 मिल जाता है तो रीडिंग ऑपरेशन होता है, और दोनों पे अगर 11 हो तो उस समय पर फैचिंग ऑपरेशन हो रहा है फ्रॉम द मेमोरी। ये ऑपरेशंस हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा मेमोरी सिलेक्शन किया हुआ है। वो हम नेक्स्ट पिन में डिस्कस करेंगे कि किस समय पे हमें मेमोरी सिलेक्शन होता है और किस समय पे हमारा इनपुट या आउटपुट सिलेक्ट होता है। तो इस प्रेजेंट केस में हम मेमोरी को लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 30, दैट इज कॉल्ड ALE पिन। ये आउटपुट पिन होती है, इसको हम टाइम मल्टीप्लेक्स्ड AD पिन्स जो हमने डिस्कस की थी वहाँ पे हमने ALE पिन का स्टडी किया था कि ALE पिन क्या काम करती है। तो ALE पिन 1 या 0 होती है, ये आउटपुट पिन है, प्रोसेसर बाहर भेजता है। ये पिन हमें बताती है कि हमारी AD पिन्स जो हैं या AD लाइंस जो हैं वो किस समय पे एड्रेस की तरह बिहेव करेगी या किस समय पर वहाँ पर डाटा जाएगा उस बस के थ्रू। तो जब ALE पिन हाई होगी उस समय पे एड्रेस जाएगा, और जब ALE पिन लो होगी तो उस पिन के थ्रू हमारा डाटा जाएगा। तो हाई के केस में लोअर बाइट ऑफ एड्रेस जाएगा, और जब ये लो हो जाएगी तो डाटा जाएगा डाटा AD बस के थ्रू। तो इस पिन को हम लेटर ऑन फैचिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह के जो टास्क हैं वो टाइमिंग डायग्राम स्टडी करेंगे, उसके अंदर भी हम इस पिन का स्टेटस या इस पिन का वर्कआउट वर्किंग हम टाइमिंग डायग्राम में भी लेटर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पिन इज द पिन नंबर 31 एंड पिन नंबर 32। दीज आर द राइट बार एंड रीड बार पिन्स, बोथ आर आउटपुट पिन्स। रीड बार पिन इट इज कॉल्ड एज राइट कंट्रोल, मीन्स ये हमारा डाटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है जब प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइसेस या मेमोरी के पास डाटा भेजना चाहता है। तो इट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टू पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी, इट इज़ ए एक्टिव लो सिग्नल। नेक्स्ट पिन इज पिन नंबर 32, दिस इज रीड बार सिग्नल, दिस इज ऑल्सो आउटपुट सिग्नल, इट इज़ ऑल्सो एक्टिव लो सिग्नल।
when this signal becomes low, microprocessor reads the data from memory or peripheral devices. Next pin is the pin number 34. This is called input output / memory bar. It is also output pin. ये पिन हमें ये बताती है कि जो एड्रेस हमारा प्रोसेसर सेंड कर रहा है वो एड्रेस हमारा मेमोरी के लिए है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है। तो यहाँ पर अगर हमें जीरो मिलता है तो हमारी क्या सिलेक्ट हो जाएगी, मेमोरी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर वन मिलता है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हमारा मेमोरी के लिए होगा इफ़ दिस सिग्नल इज जीरो, और वो एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए होगा अगर वहाँ पर हमें वन सिग्नल मिलता है। नेक्स्ट पिन इज रेडी पिन। ये पिन हमारी सिंक्रोनाइजेशन के काम आती है माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर। समटाइम्स की पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं और वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो जब ये पिन रेडी पिन हमारी वन होगी उस समय पे पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे रेडी होंगे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जिस समय पे ये पिन वन है उस समय पर हमारा प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइसेस दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं तो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमें जीरो मिलता है, प्रोसेसर यहाँ पे जीरो देखता है इस पिन पर, तब तक प्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस आर नॉट रेडी टू डाटा ट्रांसफ़र के लिए वो रेडी नहीं है। इन दैट केस माइक्रो प्रोसेसर हैज़ टू वेट टिल इट बिकम्स हाई। जब तक ये सिग्नल हाई नहीं होगा तब तक हमें हमारा रेडी पिन जीरो रहेगा, तब तक जब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वेट करता रहेगा। और जैसे ये वन हो जाएगा तो डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हमारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो दिस इज़ फॉर द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। आफ्टर दैट पिन नंबर 36, ये है हमारी रीसेट इन। दिस इज एक्टिव लो पिन, इट इज ए इनपुट पिन। ये हमारा क्या काम करती है, प्रोसेसर को रीसेट करने का काम करती है। जैसे ही इस पिन पे अगर हम एक लो सिग्नल देते हैं, कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्राउंड से भी टच कर दें इसको हम, तो ग्राउंड इज़ लाइक ए लो सिग्नल। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से या हम एक लो सिग्नल यहाँ पे देंगे दैट इज़ जीरो, उस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और जैसे ही प्रोसेसर रीसेट हो जाता है तो वहाँ पे प्रोसेसर दो काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी एड्रेस 0000 यानी कि स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस वहाँ पे लोड करता है। इसकी वजह से हमारा जो भी प्रोग्राम चल रहा था वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है और जीरो से यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, ये एड्रेस लोड होने की वजह से। और ये कब होगा, जब हम एक रीसेट इन पिन पर एक लो सिग्नल वहाँ पे हम देंगे। तो जैसे एक लो सिग्नल सेंड होगा इस पिन पर, माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। सेकेंड जो थिंग है वो क्या है कि जैसे ये रीसेट होगा तो जो हमारे इंटरप्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे डिसेबल हो जाते हैं। तो एक तो प्रोग्राम काउंटर हमारा रीसेट हो जाता है, मींस उसमें 0000H आ जाता है प्रोग्राम मेमोरी का इनिशियल एड्रेस, सोर्स मेमोरी भी कह सकते हैं इसको हम। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि जितने भी इंटरप्ट होते हैं वो सारे हमारे डिसेबल हो जाते हैं रीसेट इन के वक्त।
नेक्स्ट पिन है हमारी क्लॉक आउटपुट, यहाँ से हमें एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी हम जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं अगर उन्हें किसी को भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस को की जो क्लॉक पिन होती है वो हम यहाँ से इंटरफेस कर देते हैं, जिससे कि एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं हमारे उनको अगर क्लॉक की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से हमारी पूरी हो जाती है। तो ये क्लॉक आउटपुट जो पिन है इट इज़ कनेक्टेड विद दोज पेरिफेरल डिवाइसेस दोज नीड्स द क्लॉक। नेक्स्ट पिन है हमारी पिन नंबर 38 एंड पिन नंबर 39। हमने पिन 39 को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ए होल्ड पिन एंड 38 पिन इज कॉल्ड HLDA होल्ड एक्नोलिजमेंट पिन। होल्ड एंड HLDA पिन हमारी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं जब उसको उन एक्सटर्नल डिवाइसेस को अगर एड्रेस और डाटा बस की रिक्वायरमेंट होती है तब। तो HLDA और होल्ड पिनों पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस। तो जब कोई एक्सटर्नल डिवाइस होल्ड पिन के थ्रू एक हाई सिग्नल सेंड करता है प्रोसेसर के पास तो प्रोसेसर क्या करता है, अपनी बसेस का कंट्रोल रिलीज़ कर देता है और अपनी बसेस का कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइस को दे देता है सो दैट एक्सटर्नल डिवाइस कैन यूज़ देयर डाटा एंड एड्रेस बस फॉर देयर पर्सनल जॉब। यानी कि कोई भी काम उन बसेस के थ्रू उन्हें करना है डाटा ट्रांसफ़र का तो वो एक्सटर्नल डिवाइस उनको करता है। और जैसे ही हमारा होल्ड एक्नोलिजमेंट यहाँ पे होता है, होल्ड एक्नोलिजमेंट जैसे ही होल्ड सिग्नल मिलता है प्रोसेसर को तो ऑटोमेटिकली इट विल जनरेट द होल्ड एक्नोलिजमेंट सिग्नल। होल्ड एक्नोलिजमेंट सिग्नल हमारा प्रोसेसर से एक्सटर्नल डिवाइस के पास जाता है। होल्ड इज़ ए इनपुट पिन एंड होल्ड एक्नोलिजमेंट इज़ ए आउटपुट पिन। तो होल्ड एक्नोलिजमेंट हमारा प्रोसेसर से हमारा एक्सटर्नल डिवाइस के पास जाता है जिसको बताता है, इंडिकेट करता है एक्सटर्नल डिवाइस को कि होल्ड रिक्वेस्ट जो है रिसीव कर ली गई है। और जब ये होल्ड हमारा वन होगा उस समय पे बसेस का कंट्रोल हमारा रिलीज़ हो जाएगा बाय द प्रोसेसर। एंड जैसे ही ये होल्ड अगर जीरो हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपना कंट्रोल वापस अपना बसों पे ले लेता है, यानी कि अपनी बसेस को अपने मेन प्रोग्राम के लिए या किसी अदर प्रोग्राम के लिए वो यूज़ करने लगता है। तो होल्ड एंड HLDA दीज टू पिन्स आर यूज बाय सम एक्सटर्नल डिवाइस लाइक DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस फॉर द डाटा ट्रांसफ़र। सो इन दैट केस इट नीड्स द एड्रेस एंड डाटा बस। तो इसको क्या है, अपनी माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस और एड्रेस बस की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स वाई एट दैट टाइम इट सेंड्स ए हाई सिग्नल टू द प्रोसेसर विच इज़ कॉल्ड होल्ड सिग्नल सो इन दिस केस द एक्सटर्नल डिवाइस इज सेंडिंग ए होल्ड रिक्वेस्ट टू द प्रोसेसर सो दैट आफ्टर रिसीविंग द होल्ड रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर सेंड ए होल्ड एक्नोलेजमेंट सिग्नल टू द एक्सटर्नल डिवाइस एंड साइमल्टेनियसली इट रिलीज द कंट्रोल ओवर देयर बसेस। अपनी बसेस के ऊपर कंट्रोल छोड़ देता है और अपनी बसेस को एक्सटर्नल डिवाइस को दे देता है फॉर देयर यूज। जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र का काम ख़त्म हो जाता है वर्क, उसी समय एक्सटर्नल डिवाइस होल्ड रिक्वेस्ट को होल्ड पिन पर हमें जीरो भेजता है प्रोसेसर के पास। जैसे ही वहाँ पे जीरो आएगा तो बसेस का कंट्रोल तुरंत हमारा ऑटोमेटिकली अंडर द माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा होल्ड एंड होल्ड एक्नोलिजमेंट ये दो पिनें हमारी DMA लाइक एक्सटर्नल डिवाइस हमारा यूज कर सकता है फॉर देयर डाटा ट्रांसफ़र। लास्ट पिन इज़ द पिन नंबर 40। दिस इज़ कनेक्टेड विद द +5 volt DC सप्लाई। सो इस तरह से हमारी 40 पिन्स कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे टाइमिंग डायग्राम्स, फैचिंग, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल्स। तो ये कुछ आर्टिकल है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो इस तरह से हमारा इस लेक्चर में हमने कवर किया है एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085, जिसके अंदर 40 पिन्स होती हैं, 20 पिन इज़ द ग्राउंड एंड 40 पिन इज़ द VCC, जहाँ पे +5 वोल्ट हमें DC कनेक्ट करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।